नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 0111-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। नमस्कार दोस्तों, एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं क्रेटा और सेल्टॉस के मिड रेंज वेरिएंट के साथ में वेन्यू के टॉप वेरिएंट को कंपेयर करने वाला हूं। कुछ लोग कहेंगे कि शायद मैं पागल हो गया हूं, क्योंकि टॉप वेरिएंट के साथ में मिड रेंज वेरिएंट का कंपैरिजन कैसे हो सकता है। और वैसे भी वेन्यू, क्रेटा एंड सेल्टॉस का सेगमेंट अलग अलग है। वेन्यू जिस सेगमेंट की गाड़ी है वहाँ उसे महिंद्रा XUV300, फोर्ड इको स्पोर्ट्स, टाटा नेक्सॉन और मारुति ब्रेजा के साथ में कंपेयर करना चाहिए, जो कि आज की डेट में भारत का सबसे हॉट सेलिंग कार सेगमेंट है। इस सेगमेंट में वेन्यू, क्रेटा और सेल्टॉस तीनों गाड़ियाँ हमेशा टॉप 10 की लिस्ट में शामिल होती रही हैं। आप सभी ये भी जानते होंगे कि इस सेगमेंट में काफ़ी घमासान कॉम्पिटिशन है और हर रोज़ ये और ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि हर एक कंपनी कम से कम अपनी एक गाड़ी इस सेगमेंट में बेचना चाहती है। इस सेगमेंट में घमासान कंपटीशन की एक वजह यह भी है कि भारत के ऑटोमोबाइल मार्केट में इन गाड़ियों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। इस सेगमेंट में भारतीय कंज्यूमर के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं और जितने ज़्यादा ऑप्शंस उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन कि कौन सी गाड़ी खरीदे। इसीलिए कोई भी कंज्यूमर आउट ऑफ द बॉक्स जाकर ये सोचने की कोशिश नहीं कर रहा कि इन तीनों गाड़ियों के अलावा भी कई सारे बेहतर ऑप्शन अवेलेबल हो सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि जो लोग इस सेगमेंट में ऑप्शंस को लेकर कंफ्यूज हैं, उनके लिए मैं दो बेहतरीन और ऑप्शंस लेकर आया हूं, जिनको पूरे YouTube पर अब तक किसी ने नहीं बताया है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अंत में बहुत सारे लॉजिकल पॉइंट्स का खुलासा करूंगा, जिस वजह से आप ये फैसला कर पाएंगे कि आपको वेन्यू लेनी चाहिए या फिर क्रेटा और सेल्टॉस में से एक। यहाँ पर हम वेन्यू के टॉप वेरिएंट को क्रेटा और सेल्टॉस के मिड रेंज वेरिएंट के साथ में इसलिए कंपेयर करने वाले हैं क्योंकि इनकी प्राइसिंग काफ़ी क्लोज क्लैश करती है और इनमें केवल 9,000 रुपये से लेकर 36,000 रुपये तक का डिफरेंस है। और जो कंज्यूमर 11,40,000 रुपये खर्च करके वेन्यू का टॉप एंड खरीद सकता है, उसके लिए एक बड़ी और बेहतर कार पाने के लिए एक्स्ट्रा 36,000 रुपीज़ खर्च करना कोई मायने नहीं रखता। यहाँ पर मैं आपको वेन्यू, क्रेटा और सेल्टॉस के कॉमन फीचर्स के साथ साथ वो सारे फीचर्स भी बताऊंगा जो इन गाड़ियों में एक दूसरे में नहीं मिलते। तो आपको क्या लगता है, क्या वेन्यू आपको क्रेटा और सेल्टॉस के मुकाबले बेहतर बिल्ड क्वालिटी, बेटर परफॉर्मेंस, बेटर राइड एंड हैंडलिंग, बड़ी और स्पेशियस कार ऑफर कर पाती है? इन तीनों में कितना प्राइस क्लैश होता है और वो क्या प्राइस क्लैश क्रेटा और सेल्टॉस के बारे में सोचने पर हमें मजबूर कर सकता है? ये सारी जानकारी जानने के बाद आप हंसते हंसते वेन्यू को क्रेटा और सेल्टॉस के लिए कुर्बान कर देंगे। क्या आपके जहन में भी ऐसे कई सारे सवाल हैं? तो अगर आपको उन सारे सवालों के जवाब जानने हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए जानते हैं उन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं तीनों गाड़ियों की प्राइसिंग से और देखते हैं कि ये कैसे, कितना और कहां प्राइस क्लैश करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो भी प्राइसेस कोट करूंगा वो सारे के सारे प्राइसेस एक शोरूम कॉस्ट मुंबई हैं। अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं वेन्यू के प्राइस की। हम वेन्यू के टॉप मॉडल को क्रेटा और सेल्टॉस के मिड वेरिएंट के साथ में कंपेयर करेंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए प्राइस क्लैश आपको वेन्यू के मिड रेंज वेरिएंट से ही बता देता हूँ।
वेन्यू में 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज GDI पेट्रोल इंजन का SX वेरिएंट मैनुअल में आपको मिलता है 9,79,000 रुपये तक का। वहीं 1.5 लीटर डीजल 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में SX वेरिएंट आपको आएगा 9,99,000 रुपये का। अब देखते हैं कि क्रेटा के साथ में और सेल्टॉस के साथ में ये प्राइस कैसे क्लैश होता है। क्रेटा में 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड मैनुअल पेट्रोल का EX वेरिएंट आपको एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से मिलेगा 9,99,000 रुपये तक का, जो कि वेन्यू से मात्र 20,000 रुपये महंगा है। वहीं 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल मैनुअल का ई वेरिएंट एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको मिलता है वेन्यू जितनी ही प्राइस में, यानी कि 9,99,000 रुपये में। अब मुड़ते हैं सेल्टॉस की ओर। सेल्टॉस 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड मैनुअल पेट्रोल HTE वेरिएंट आपको एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से 9,89,000 रुपये में मिल जाता है, जो वेन्यू से केवल 10,000 रुपये महंगा है। और सेल्टॉस मैनुअल डीजल में HTE वेरिएंट आपको एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से 9,89,000 रुपये तक का मिल जाता है, जो वेन्यू से 10,000 रुपये सस्ता आता है। तो ये हुआ पहला प्राइस क्लैश। अगला है वेन्यू का 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज GDI पेट्रोल DCT SX प्लस वेरिएंट, जो आपको 11,36,000 रुपये तक मिलता है। वहीं क्रेटा के मिड रेंज में आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड मैनुअल पेट्रोल का S वेरिएंट 11,72,000 रुपये तक का मिल जाता है, जो वेन्यू से केवल 36,000 रुपये महंगा आता है। और सेल्टॉस 1.5 लीटर पेट्रोल मैनुअल में HTK प्लस वेरिएंट आपको मिलता है केवल 11,49,000 रुपये तक, जो वेन्यू से केवल 13,000 रुपये महंगा है। तो ये हुआ दूसरा प्राइस क्लैश। तीसरा है दोस्तों वेन्यू का 1.5 लीटर डीजल मैनुअल SX ऑप्शनल वेरिएंट, जो 11,40,000 रुपये तक मिल जाता है। वहीं क्रेटा मिड रेंज में 1.5 लीटर डीजल मैनुअल EX वेरिएंट आपको 11,49,000 रुपये तक मिलता है, जो वेन्यू से केवल 9,000 रुपये महंगा आता है। सेल्टॉस के साथ भी यही कहानी है। सेल्टॉस 1.5 लीटर डीजल मैनुअल और डीजल में 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन HTK प्लस, ये दोनों वेरिएंट आपको 11,49,000 रुपये तक मिल जाते हैं, और ये भी वेन्यू से मात्र केवल 9,000 रुपये ही महंगे हैं। तो ये हुआ तीसरा प्राइस क्लैश। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे हमें क्रेटा और सेल्टॉस के रूप में वेन्यू से बड़ी और बेहतर कार मिल सकती है। आपको क्या लगता है इस बारे में, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। चलिए आगे मुड़ते हैं और बात कर लेते हैं डायमेंशंस के बारे में। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्रेटा सेल्टॉस दोनों ही गाड़ियां लेंथ, विड्थ, हाइट और व्हील बेस में वेन्यू से काफ़ी बड़ी है, जिसका सीधा सीधा ये मतलब होता है कि क्रेटा और सेल्टॉस में आपको वेन्यू से ज़्यादा बड़ी, बेहतर और स्पेशियस गाड़ी मिलती है। ज़्यादा बूट स्पेस मिलेगा, ज़्यादा केबिन स्पेस मिलता है, वेन्यू से बेहतर बिल्ड क्वालिटी मिलती है। ये होता है फ़ायदे का सौदा, बड़ा भी और बेहतर भी। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपके लिए नीचे कमेंट बॉक्स हैं। अब तीनों गाड़ियों के कर्व वेट के बारे में बात कर लेते हैं, जिससे हमें ये समझने में आसानी होगी कि किसकी बिल्ड क्वालिटी बेहतर और ज़्यादा मजबूत है। तो वेन्यू का वज़न है 1,058 किलोग्राम से लेकर 1,370 किलोग्राम तक, वहीं क्रेटा का वज़न है 1,367 किलोग्राम। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि किया ने सेल्टॉस के वज़न की ऑफिशियल जानकारी अभी तक डिक्लेयर नहीं की है, लेकिन अंदाजन सेल्टॉस का वज़न है लगभग 1,345 किलोग्राम से लेकर 1,510 किलोग्राम तक। अब मुड़ते हैं तीनों गाड़ियों की ग्राउंड क्लियरेंस की तरफ। तो तीनों ही गाड़ियों में आपको लगभग 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। जहां तक टर्निंग रेडियस का सवाल है, तो वो भी आपको तीनों गाड़ियों में 5.1 मीटर से लेकर 5.3 मीटर तक मिल जाता है, बावजूद इसके कि क्रेटा और सेल्टॉस का व्हील बेस वेन्यू से काफ़ी बड़ा है। अब बात करते हैं तीनों गाड़ियों के बूट स्पेस के बारे में। तो वेन्यू में आपको केवल 350 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, वहीं क्रेटा और सेल्टॉस में आपको 433 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि व्हील बेस बड़ा है तो बूट भी आपको बड़ा ही मिलेगा। अब गौर करते हैं फ्यूल टैंक पर। तो वेन्यू में आपको मिलता है 45 लीटर का फ्यूल टैंक, तो क्रेटा और सेल्टॉस में आता है 50 लीटर का फ्यूल टैंक। और हमेशा की तरह फ्यूल टैंक की बात हो ही रही है, तो लगे हाथों माइलेज की भी बात कर लेते हैं। क्रेटा और सेल्टॉस में आपको 16 KMPL से लेकर 21 KMPL तक का कंबाइन माइलेज मिलता है, वहीं वेन्यू में आपको मिलेगा 18.15 KMPL से लेकर 23.7 KMPL का कंबाइन माइलेज। व्हील्स की जहां तक बात है, आपको बता दूं कि वेन्यू में और सेल्टॉस के HTK प्लस वेरिएंट में आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, वहीं क्रेटा में आपको स्टील रिम ही देखने को मिलेगी।
अब बात करते हैं तीनों गाड़ियों में मिलने वाले इंजन के बारे में। तो वेन्यू में आपको मिलता है 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज GDI पेट्रोल इंजन, जो कि 120 PS की पावर जनरेट करता है 6000 RPM पर और 171 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 1500 से लेकर 4000 RPM पर। वहीं डीजल में आपको मिलता है 1.5 लीटर डीजल इंजन, जो कि 100 PS की पावर जनरेट करता है 4000 RPM पर और 240 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 1500 से लेकर 2750 RPM पर। वहीं क्रेटा और सेल्टोस में आपको सेम इंजन देखने को मिलते हैं, फिर चाहे वो पेट्रोल हो या फिर डीजल। इनमें आपको मिलता है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि 115 PS की पावर जनरेट करता है 6300 RPM पर विथ 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा 4500 RPM पर। और डीजल में आपको मिलता है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन, ये भी 115 PS की पावर जनरेट करता है लेकिन 4000 RPM पर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 1500 से लेकर 2750 RPM पर। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्रेटा और सेल्टोस में मिलने वाले इंजन वेन्यू से किसी भी मामले में कम नहीं है और डीजल में तो ये वेन्यू से भी बेहतर है। बेटर परफॉर्मेंस एंड बेटर पावर आउटपुट, आप क्या सोचते हैं इनके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं तीनों गाड़ियों में मिलने वाले कॉमन फीचर्स के बारे में और शुरुआत करेंगे सबसे पहले फीचर से, जो कि है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। उसके अलावा आपको तीनों गाड़ियों में LED DRLs, LED टेल लैम्प, फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट, रूफ रेल, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVM विद टर्न इंडिकेटर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको शार्क फिन एंटीना और रियर स्पॉयलर भी तीनों गाड़ियों में देखने को मिलेगा। वेन्यू में आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, वही 16 इंचेस के अलॉय व्हील आपको सेल्टोस में HTK प्लस वेरिएंट में मिलेंगे, लेकिन क्रेटा में आपको 16 इंचेस के स्टील रिम ही मिलेंगे। तीनों गाड़ियां आपको 8 इंच का टचस्क्रीन म्यूजिक सिस्टम ऑफर करती हैं अलॉन्ग विद ऑल बेसिक फीचर्स जैसे कि एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ऑडियो कंट्रोल्स, वॉइस रिकग्निशन, ब्लूटूथ, 4 स्पीकर एंड 2 ट्वीटर्स। उसके अलावा तीनों गाड़ियों में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाएगा, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप का फीचर मिल जाएगा, फुल्ली ऑटोमेटिक AC आपको वेन्यू में मिलेगा लेकिन बाकी दो गाड़ियों में आपको ये मैनुअल मिलेगा। तीनों गाड़ियों में आपको टिल्ट पावर स्टीयरिंग का ऑप्शन मिल जाता है, रियर AC वेंट्स, क्रूज कंट्रोल, फ्रंट आर्मरेज विद स्टोरेज स्पेस, रियर वाइपर एंड वॉशर, ड्यूअल एयरबैग प्लस ABS एंड EBD एंड रियर पार्किंग जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा तीनों गाड़ियां आपको डे नाइट IRVM, ऑटो हेडलैम्प और ड्राइविंग रियर व्यू मॉनिटर का फीचर भी ऑफर करती हैं। तो कुल मिलाकर ये कुल 23 फीचर थे जो तीनों गाड़ियों में आपको कॉमन देखने को मिल जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं क्रेटा और सेल्टोस के मिड रेंज वेरिएंट में मिलने वाले उन सारे फीचर्स की जो आपको वेन्यू में नहीं मिलते। वैसे अगर देखा जाए तो क्रेटा में आपको केवल एक ही फीचर मिलता है जो वेन्यू में नहीं मिलेगा, वो है फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील। लेकिन इसके अलावा हम इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि क्रेटा में आपको एक बेहतर और बड़ी गाड़ी मिलेगी, बेहतर बिल्ड क्वालिटी मिलेगी, आपको केबिन स्पेस भी ज़्यादा मिलता है, बूट स्पेस भी ज़्यादा मिलेगा और रियर सीट पर भी बहुत ही बेहतर स्पेस मैनेजमेंट मिल जाता है। वहीं सेल्टोस की अगर बात करें तो सेल्टोस में आपको चारों के चारों डिस्क ब्रेक मिलते हैं डीजल वेरिएंट्स में ही। इसके अलावा आपको डीजल में 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी सेल्टोस में देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं वेन्यू में मिलने वाले उन सारे फीचर्स के बारे में जिन्हें आपको भुलाना होगा अगर आप वेन्यू की बजाय सेल्टोस या क्रेटा को चुनते हैं। शुरुआत करते हैं पहले फीचर से, जो कि है कॉर्नरिंग लैंप्स। उसके अलावा वेन्यू में आपको मिलेगा लेदर प्लस फैब्रिक कॉम्बिनेशन सीट अपहोल्स्ट्री, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील एंड गियर नॉब, ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी, सनरूफ, ऑटो फोल्ड ORVMs, एयर प्यूरीफायर, वायरलेस चार्जर, 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल असिस्ट कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर्स, IRVM विद टेलीमेटिक स्विचेस सच एज SOS, रोड साइड असिस्टेंस एंड ब्लूलिंग, और आखिरी है 1 लीटर पेट्रोल इंजन कम्स विद अ DCT ऑप्शन। ये कुल मिलाकर 15 ऐसे फीचर्स थे जो आपको वेन्यू में मिलते हैं लेकिन क्रेटा और सेल्टोस के मिड रेंज वेरिएंट में आपको ये नहीं मिलेंगे। जहां तक वारंटी की बात है तो तीनों गाड़ियां एक ही कंपनी से होने की वजह से आपको तीनों गाड़ियों पर 3 ईयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी और 3 ईयर्स रोड साइड असिस्टेंस मिल जाता है। अब अगर ओवरऑल कंक्लूजन की हम बात करें तो मैं आपको उन सारे सवालों के जवाब दे चुका हूं जो मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताए थे। तीनों गाड़ियों के कॉमन फीचर्स और एक दूसरे में ना मिलने वाले फीचर्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये सब जानने के बाद अब आँख बंद करके क्रेटा या सेल्टोस को चुनेंगे लेकिन वेन्यू के टॉप एंड को नहीं लेंगे। एक्सटीरियर डिज़ाइन, स्पेस, कंफर्ट, बिल्ड क्वालिटी में क्रेटा और सेल्टोस वेन्यू से कहीं बेहतर है। अब ये फैसला आपको करना है, बड़ी कार लेना चाहते हैं या ज़्यादा फीचर वाली कार लेना चाहते हैं। तीनों गाड़ियों के साथ आपको ह्यूंडई का भरोसा मिलता है तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से
तीनों गाड़ियों में से आप कोई भी गाड़ी चुन सकते हैं। मुझे अगर आप मेरी राय पूछेंगे तो मैं आंख बंद करके क्रेटा या सेल्टोस ही लूँगा। आपको क्या चाहिए ये आपको तय करना है। मुझे जनरली डीजल कार की ज़रूरत बहुत ज़्यादा और मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मोर स्पेसिफिक अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं सेल्टोस के HTK प्लस वेरिएंट में 6-स्पीड ऑटोमेटिक डीजल की गाड़ी को लेना पसंद करूँगा। अब आपकी बारी है, आपने क्या तय किया मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।